ऊपर गर्भ अवस्था में बहुत ही अच्छे संस्कार दिए जा सकते हैं, और हम अगर पूर्व आचार्यों के अनुसार कभी संस्कार विधि को प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छा भविष्य हमारा निर्माण हो सकता है। और अच्छे माँ बाप के लिए अगर अच्छी संतान चाहिए तो अच्छे संतान के लिए अच्छे संस्कार दें। स्वयं माँ बाप अगर संस्कारित होंगे तो बच्चों को भी वे संस्कार देंगे, और एक संस्कारवान अगर बच्चा जन्म ले लेता है तो वह देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए एक अच्छा काम कर सकता है, और वह कुंद कुंद जैसे महान पद को प्राप्त करते या तीर्थंकर जैसे महान अवस्था को प्राप्त करके निर्वाण को भी प्राप्त कर सकता है। ये अगर कहीं देन है तो मात्र एक संस्कारों की देन है। जो यहाँ पर डॉक्टर उर्जिता जी और गीतांजलि जी ने ये जो उपक्रम शुरू किया है इनके लिए हम पूरा पूरा आशीर्वाद देते हैं कि भारत वर्ष की पूरी दिगंबर जैन समाज में ये उपक्रम शुरू हो के सब जहाँ जहाँ देश के साधु आचार्य हैं उनके सानिध्य में इस प्रकार के गर्भ संस्कार इनको प्राप्त होते रहे, और समाज में ऐसा गर्भ संस्कार का वातावरण निर्माण होकर हमारी जो आने वाली भविष्य की पीढ़ी है उनके लिए अच्छे संस्कार देकर उन बच्चों का भविष्य अच्छा हो, और वे भी जिन धर्म के अनुसार अच्छे संस्कार प्राप्त कर अच्छा भविष्य का निर्माण करे। इसी सद्भावना के साथ मेरे दो शब्दों को मैं विराम देता हूँ। मंत्र पढ़ने के बाद
लेकर दोनों हाथ में लेकर अपने पूरे शरीर पर वो पानी छिड़केंगे। द्वारा इस यंत्र का निर्माण हुआ है
ऐसा एक नया केंद्र यहाँ पर स्थापित हम कर रहे हैं, जिससे हमारे सारे कार्य सफलता और सिद्धि को प्रदान करते हैं। ये इसका अर्थ है कि गुरु महावीर गुरुद्वार Sahara.
अभी प्रीति संस्कार मतलब क्या? ये प्रीति संस्कार शब्द क्यों है? आप स्क्रीन पे देखिए।